सदर आसिफ अली जरदारी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 ते सही करे छड़ी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कानून बणजी वयो। कौमी असेंबली सेनेट में मंजूर थे इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी ले गुजरियल डी सदर आसिफ अली जरदारी डां उमाण्यो वयो हो। बुशरा बीबी के इधर दौरान निकाह वारे केस में बरी करण बावजूद आसातन करण से घरू सेक्रेटरी लागापियल अमलदारन का जवाब तलब। बुधनी 12 अगस्त ताई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेला जेल के सुपरिटेंडेंट खिलाफ दाखिल करायल दरख्वास्त से बुधनी वकील लतीफ कोसा की शिमला हित बुशरा बीबी के इधर दौरान निकाह वारे केस में बरी थे बावजूद आसातन कर वो है। बुशरा बीबी के जेल में तशद्दुद कर वो। मीरपुर माथेलो के सहाफी नसरुल्लाह गडाणी के कत्ल केस में दहशतगर्दी का कलम खत्म। खालिद लुंड के बेडोही करार। जांच ऑफिसर केस में दहशतगर्दी का कलम खत्म कर कत्ल केस में नामजद एमएनए खालिद लुंड के बेडोही करार दी छो। एमएनए जा बई पुट शहबाज ए नूर मोहम्मद कत्ल में मुलविस करार। जांच ऑफिसर पैंजी रिपोर्ट प्रोसिक्यूटर वट जमा कराए छी। खालिद लुंड खिलाफ कत्ल में मुलविस होने की साबती न मिली है। जांच ऑफिसर सिराज लाशारी। सिंध हाई कोर्ट साफी नसरुल्लाह गडाणी कत्ल केस मीरपुर माथेलो का बेशहर मुंतकिल करण लाए दाखिल दरख्वास्त एसएसपी कोठी का 7 दिन में रिपोर्ट तलब करे बरती। दरख्वास्त के साथ पठानी गडाणी से वकील सलाउद्दीन पहवर जो चवणा है जांच ऑफिसर अदालत में चालान पेश न थो करे। जांच ऑफिसर जवाबदारन के बचाण चाहे तो। सिंध सरकार सदर आसिफ अली जरदारी का वफाकी सरकार से सलाड़ियल सिंध के मसल के हल में मदद घुरी वरती। सदर आसिफ अली जरदारी से सिंध के तवानाई रिथाबंदी ए तरक्की वाले खाते के वजीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। सिंध में शमसी तवानाई के हथी डेण के हवाले से सिंध हुकूमत के कदम का आगाही। वफाकी हुकूमत बाबत सिंध के मसल के हल में किरदार अदा कर नासिर शाह आसिफ जरदारी के दरख्वास्त कई। सदर पारा सिंध समेत समूरन सूबों के वफाक से लागापियल मसल के हल में पैंजो किरदार जारी रखण जो। निशान हैदर शहीद मेजर तुफेल मोहम्मद जो छाटो शहादत जो दिहाड़ो मल्हाए पो वे। बोरेवाला में शहीद के मजार से तकरीब कुरान खानी गुल रखा पाया। पाक फौज के दस्ते सलामी दिनी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ सही हथियारबंद फौज पारा शहीद मेजर तुफेल मोहम्मद के भेटा पेश। ट्यूनिशिया के सदर वजीर आजम के बरतरफ करे छो। पर्डी मीडिया मूजिब सदर के सईद वजीर आजम अहमद हाचानी के अहदे त हटाए छो है। ऐवानी सदर ट्यूनिशिया समाजी मामलों जो वजीर कामिल मदोरी वजीर आजम मुकर्रर। डेनमार्क के वजीर आजम के मुख हणंदड़ शख्स के 4 महीना कैद की सजा। पोलैंड से ताल्लुक रखंदड़ शहरी के वजीर आजम से हमलो कर जिंसी तौर हिरासा कर शायल से सजा मुकम्मल थे बाद जवाबदार के मुल्क बदर भी कह वो। रुस्तम के कछेवार इलाके में कहरे इल्जाम हेठ बिटो कतुल गोठ राणू लाले जो में मोहम्मद शोबान कादरानी जतोई ए रुखसाना दी जुम्मन लाले जो के गोलियों हणी कतुल किया वो। पुलिस मूजिब बिटे कतल जा इतला मिला वाक्य की जांच कई पी वे। ड्रखण भरसा सरई समीर की मालिकता छेड़ो फारिंग में पुट कतल। पीएसएन पीएसएफ ने गोठ मोहम्मद ब्रोही में ब्रोही बरादरी की बिंदुरेन में छेड़े दौरान शफी मोहम्मद ब्रोही कतल। संदस पी नजर मोहम्मद ब्रोही सख्मी थी पो। शहदादकोट बैसा जलबक्सी इलाके में जमीनी तकरार फायरिंग
एक जनो कतल चार जना जख्मी गोठ मट साखाणी में बक्सी बरादरी की बिंदुरी में तकरार था गुलाम फरी साखाणी मक्सी माशी पो मोहम्मद गुलजार इस्माइल जाफर मक्सी जख्मी थी पाया रेती भरसा सादकाबाद कौमी शहर भरसा कमत में एक शख्स लाशत पुलिस मौत पौती शख्स की सुणप तनवीर अहमद तौर की है। थारू शबर से बेरोजगारी पोरियत का हयाती खसे वरती गोठ कुंभ सोलंगी में राजा सोलंगी जहरीली जीत मार दवा पी पेंजी जिंदगी जो डियो हमेशा लाई गुल करे छोड़ो। नौजवान के पीमो जी पुट सत महीना अग शादी कई हुई बेरोजगारी सबब परेशान रहंदो हो। आई मदैची में बडियक बदमनी खिलाफ एहतजाज करते 40 गोठाड़न से केस दाखिल गायचा थाणी जिद में बदमनी खिलाफ एहतजाज से रोड ब्लॉक कर पुलिस की फरियाद केस दाखिल कर पो गायचा पुलिस चौकी भरसा बदमनी खिलाफ रोड ब्लॉक कदड़ बदमनी खिलाफ नारा हणी रहा हुआ एफआईआर जो मतन